मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। चलिए गाइस, आपका सेशन स्टार्ट हो चुका है। आपके जानकारी के लिए बता दिया जाए तो आपकी घड़ी के जस्ट बज चुके हैं 7 PM। सो फटाफट से आप अपने रीजनिंग की क्लासेस में आ जाएंगे। आपका अल्फाबेट टेस्ट स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे गाइस देख रहे हैं, 1 मिनट का टाइम लिया जाता है कि सभी के सभी डियर आप सभी यहाँ पे इस सेशन से जुड़ जाएंगे, जिससे कि आपका क्लास स्टार्ट किया जाए। गाइज यहाँ पे टोटली अगर बने रहेंगे तो आपको 10 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बताए जा रहे हैं। सो गेस्ट पेपर हैं आपके, ये भी आपको कंफर्म होना चाहिए। अब बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। देखते हैं कितने गाइज सही जवाब देते हैं। सो मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। और एक बार चलिए, जितने भी गाइस जुड़ चुके हैं, वेल डन वेल डन आप सभी को। चलिए फटाफट से चैट करना स्टार्ट कर देंगे। और आपको एक जानकारी बता दें गाइस कि अपनी इस फैमिली में यार जुड़े हो तो अपनी इस फैमिली के लिए कुछ सेशंस को थम्सअप भी तो कर दो। सेशंस को थम्सअप करके सेशंस को आप शेयर करने की कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब तो बिल्कुल कर देंगे और बेल आइकन भी प्रेस कर देंगे, नोटिफिकेशन ऑल पे प्रेस कर देंगे, जिससे कि डेली टू डेली जो भी वीडियोस हम यहाँ पे अपलोडेड करते हैं जस्ट आपके पास लाइव टाइम होता है, आपको कंफर्म हो जाए। गाइज यहाँ पे सबसे पहले ध्यान देंगे कि निर्देश क्या दिया। कोई भी चीज़ होती है स्टार्ट करने के पहले आपको नोट पॉइंट जरूर जानना चाहिए। प्रश्न संख्या 51 से 55, इट्स मीन्स 51 से 55 तक ध्यान देंगे आपके। नीचे प्रत्येक प्रश्न में बड़े अक्षरों में एक शब्द दिया गया है जी, बिल्कुल ये शब्द दिया गया है बड़े अक्षरों में, और साथ साथ कहता है जिसके पश्चात 4 शब्द उत्तर के रूप में दिए गए हैं। ये देखिए, ये टोटली 4 शब्द उत्तर के रूप में दिए गए हैं। दिए गए अक्षरों का प्रयोग कर केवल एक ही विकल्प ऐसा है जो कि दिए गए शब्द से बनाया जा सकता है। मतलब कि डेडिकेट दिया गया है। डेडिकेट क्या होता है? समर्पित करना। अगर आप जानकारी इसकी चाहें तो समर्पित करना, डेडिकेट मतलब समर्पित करना। तो जस्ट डेडिकेट ऐसा कौन सा है कि डिसाइड या फिर डिराइड या फिर डिमांड या फिर डिड्यूस, ऐसे 4 शब्दों में से ऐसा कौन सा है कि जो इसमें मिलता है, जो मेल खाता हो। चलिए गाइस फटाफट से आंसर देने की कोशिश करते रहेंगे। वेल डन गाइस, 1 सेकेंड। चलिए आपका स्टार्ट है जस्ट 51 से 55 तक, आपको यही कंडीशंस अपनाने हैं। 51, चलिए गाइस 51 का क्वेश्चन आप सभी बताते रहेंगे। देखते हैं कितने गाइस सही जवाब देते हैं। अरे यार आप जरूर देंगे। डेडिकेट, डेडिकेट दिया गया है ना। डिसाइड, ऑप्शन नंबर है। जितने भी साथी करें वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। होगा कैसे? अगर यहाँ पे पॉइंट हो डी ई तो डी ई, सी है सी भी है, आई है तो जस्ट यहाँ पे आई भी है, फिर से डी है तो डी है, एंड ई है तो ई है कि टोटली नहीं। बाकी सब में चेक करते हैं तो डिमांड अगर चेक किया जाए तो डी है, ई है आपका, चलिए ई भी है, यम यम यहाँ पे देखें यम नहीं है इसलिए ये कैंसिल। यहीं पे डिराइड देखते हैं तो आर आर भी इसमें नहीं है टोटली, ये भी कैंसिल। और डिड्यूस चेक किया जाता है तो डी ई आपका, ये डी ई हो जाता है, डी के बाद यू, यू नहीं है जी बिल्कुल, इसमें यू नहीं है, आर नहीं है, एंड इसमें यम नहीं है। सो आपके जो ऑप्शंस होंगे सिर्फ फर्स्ट ही बचता है जो कि पूरा का पूरा एकदम मेल खा रहा है, यानी कि मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, चला जाए फिर आगे। और नेक्स्ट में क्या होगा, कुछ और नहीं करना है आपको, और आगे सिर्फ तो सिर्फ ऐसे ही फैक्ट बताने हैं। अब ये 52 क्वेश्चन अगर देखें कि अरिस्टोक्रेटिक, अरिस्टोक्रेटिक दिया गया है, इसमें क्रिएशन है, सीक्रेट है, स्टैटिक दिया गया है, अरिस्ट दिया गया है। चलिए गाइस 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, देखते हैं कितने गाइस यही जवाब देते हैं जी। बिल्कुल आप सभी करते रहेंगे। यहाँ पे हर किसी का लाइव चैट पढ़ा जा रहा है, ऐसा कोई भी नहीं है कि जिनका लाइव चैट ना पढ़ा हो, इसलिए आप लाइव चैट जरूर करते रहेंगे। अगर आपकी जानकारी के लिए बताएं, अरिस्टोक्रेटिक क्या होता है? भव्य, भव्य यानी कि शानदार। क्या होगा गाइस, फटाफट से आंसर करते रहेंगे। सो जितने भी साथी ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे हो जी, स्टैटिक, चलिए वेल डन। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर बता रहे हैं बहुत बढ़िया, और जिन भी साथी का ऑप्शन नहीं सही हो रहा है, डिमोटिवेट आप लोग नहीं होंगे, कोशिश करेंगे तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, ध्यान देंगे, ये फैक्ट आपको कन्फर्म होने चाहिए। बाकी 52 आपके हो चुके हैं, अब जो है 53 पे आप ध्यान देंगे। 53 क्या दिया गया है? करेस्पॉन्डिंग, करेस्पॉन्डिंग क्या होता है? चारों तरफ में। तो ये 4 के 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चलिए फटाफट से आंसर करते रहेंगे, देखते हैं कितने गाइस सही आंसर कर रहे हैं। रिस्पॉन्स करेक्ट, या फिर आपका दिया गया है रिपेंट, या फिर डिसर्न। चलिए गाइस 53 जी बिल्कुल ऑप्शन आप सभी करते रहेंगे, देखते हैं कितने गाइस सही आंसर करते हैं।
तो डिसीजन इज द करेक्ट आंसर। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट होंगे। और भैया होंगे कैसे, डी आई जी बिल्कुल, यहाँ पे दिया गया है डी आई, उसके बाद यस सी ढूंढिए, यस सी एंड आर्यन, आर कहाँ है, ये सब कुछ मिल रहा। जबकि और तीन बची हुई ऑप्शंस में अगर आप देखें तो वहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी माहौल नहीं है कि जो कि मेल खाता हो, यानी कि उससे जस्ट मिलता हुआ हो। यहीं पे गाइस 54 की बात किया जाए, इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट क्या होता है, पर्यावरण होता है, ये तो आपको कन्फर्म है। इन्वायरमेंट इमिनेंट या फिर इंटरटेन या फिर इंट्रेंस, समझ रहे हो, या फिर मोमेंट, कौन सा सही होगा, यानी कि कौन सा ये वर्ड है जो कि टोटली इससे पूरा का पूरा मिला हुआ है। चलिए गाइस 54 आप लोग आंसर करने की कोशिश करते रहे, वेल डन गाइस, देखते हैं कितने गाइस है। और हाँ बिल्कुल, आपको कन्फर्म था ना कि फॉर्म कब आएगा, आपको ये कन्फर्म करना था मैम फॉर्म कब तक आ जाएगा। सो आज 10 PM पे आपको ऑलरेडी मिल जाएगा ये सेशंस, यानी कि 10 PM पे आपको ऑलरेडी वो सेशंस मिल जाएगा जो कि आपको ये कंफर्म कराया जाएगा कि फॉर्म कब तक आएगा, या फिर फॉर्म 1 साल का आएगा, 2 साल का, या फिर BEd 4 साल का हो गया है, ये सारे टोटली डाउट्स देखते हैं। रात में आप 10 बजे सो जाते हो पर है इतना जल्दी में सोने कल्याण नहीं होने वाला है, पढ़ाई कीजिए, ध्यान दीजिए। 54 जी बिल्कुल, ऑप्शन आपसे भी करते रहेंगे। इमिनेंट इज द करेक्ट आंसर, जितने भी साथी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं वो सभी के सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। इतना जितना भी ऑप्शन है सब कुछ इसमें मिल रहा है। 55 यही होता है, यहाँ पे दिया गया है ब्लैंडिशमेंट, ये क्या है, बोल्ड है, शेप है, मेटल है, या फिर क्रैश है। चलिए गाइस फटाफट से आंसर करते रहेंगे आप सभी। 55 जी बिल्कुल, जितने भी साथी मेटल बता रहे हैं ना वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे कि मेटल मिल रहा है। यम ई तो आप ढूंढें अगर यहाँ पे, तो यम ई, उसके बाद टी ए एल, तो टी हो गया एंड ए एंड एल, मिला कि नहीं मिला मेटल, बल्कि क्रैश बोर्ड शेप ये नहीं होगा, बाकी और सब कुछ मेटल आपका है, इज द करेक्ट आंसर। अभी तो ये ढूंढ के इन शब्दों में से बताना था, इन शब्दों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा जो कि मिल रहा है, ये समझ में आना। लेकिन अब जो है गाइज, अब जरा इससे हटके होगा, ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा जो इसमें मिल नहीं रहा है भैया, ये ध्यान देंगे। चलिए कोई बात नहीं, पहले आप जो है फैक्ट पढ़ेंगे, यानी कि निर्देश। सो निर्देश क्या दिया गया है, निर्देश ये दिया गया है, प्रश्न संख्या 56 से लेकर के 60 तक दिए गए वैकल्पिक शब्दों, थोड़ा सा मतलब कट गया है, कोई बात नहीं आप इतना मैनेज कर लेंगे, शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जो कि दिए गए शब्दों के अक्षरों के प्रयोग द्वारा नहीं है। गाइज अभी अभी 10 PM पे अभी हम आपको बताए हैं, 10 PM पे करेंटली अपडेट्स आपको प्रोवाइड होता है। सो आज बताया जाएगा कि ऑलरेडी आपका फॉर्म कब आएगा, कब तक आ जाएगा। सो उसके लिए गाइज आप तैयार रहेंगे, इतना बिल्कुल तैयार रहेंगे, सोना नहीं है, कन्फर्म कीजिए। मॉर्निंग टाइम देखते हैं बहुत कम, सिर्फ 11-15 इतने स्टूडेंट्स आते हो, यार कहाँ पे बैठे हो आप सभी, क्या है मॉर्निंग टाइम क्विज, कोई बच्चा पूछ रहा था मैम कब है, तो भैया 6:30 AM पे एंड 7 AM पे, 6:30 एंड 7 बजे, दो दो क्विज होता है, एक सुबह 6:30 बजे, एक सुबह 7 बजे, ध्यान देंगे। तो जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग द्वारा नहीं बनाया जा सकता है, जैसे कि कम्बिनेशन 56 में दिया गया है, कम्बिनेशन, कम्बिनेशन से ऐसा कौन सा शब्द है, नेशन, कर्सन्स, एम्बिशंस या फिर मोटी मोशंस, ऐसा कौन सा शब्द होगा जो कि नहीं बनता है। 56 जी बिल्कुल, आप सभी देखेंगे कम्बिनेशन कंफर्म है आपको ना, कम्बिनेशन मतलब मिला जुला। वेंडर गाइस बहुत बढ़िया, आप सभी जवाब दे रहे हो, बहुत अच्छी बात। जितने भी गाइस जुड़े हो ना एक बार चलिए सेशंस को यार थम्स अप कर दो, मैं तब ही ना बनो, और लास्ट एंड तक अगर आप बताएं तो आप जुड़े रहेंगे। और टेलीग्राम पे देखिए गाइस, ऑनलाइन बैठने से कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ जितने गाइस पढ़ रहे हो वही वही माइंडेड हो, बाकी और क्या कहा जाए, कुछ नहीं। चलिए 56 जितने भी साथी क्वेश्चन बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, कि यही नहीं मिल रहा, अगर मिलाया जाए तो सी ए, चलिए सी के बाद जस्ट ए, यू, यू देख रहे हो, यू कहीं नहीं है, टी है, आई ओ एन, आई ओ एन सब कुछ है बट यू नहीं है, इसलिए ये जो होगा ऑप्शन वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, यानी कि नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ पे 57 देखते हैं गाइज, डिस्टिंग नेशनलाइजेशंस क्या दिया गया है, डेंसिटी ट्यूशनलाइजेशंस, इतना बड़ा वर्ड दिया गया, अब इसी में से डिटेल्स, लेसन, लिसन, लिस्टन नहीं पढ़ते हैं कभी भी, टी साइलेंट है, एंड लिंग्विस्टिक,
चलिए गाइस फटाफट से आंसर करते रहेंगे। 57 देखते हैं कितने गाइस सही आंसर करते हैं। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। लिंग्विस्टिक, क्योंकि इसमें जो है अगर बात किया जाए तो जी ऑप्शन नहीं मिल रहा है, इसमें जी बिल्कुल जी ऑप्शन आपका नहीं है। एंड यहीं पे चलिए अगर बने रहेंगे मतलब कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है गाइस कि 58 क्वालिफिकेशंस, क्वालिफिकेशंस क्या है आपके, पूछते नहीं आपके क्वालिफिकेशंस क्या है, आपके गुण क्या है या फिर आप कहाँ तक पढ़े पढ़ाई किए हैं, ये सब पूछता है ना। तो कसंस, कॉल्ट, क्वेंच या फिर क्वेल, ये बिल्कुल 58 आप सभी ऑप्शन करते रहेंगे, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो जितने भी साथी ऑप्शन नंबर ए सी बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। वेल डन गाइस, टेक अ स्क्रीनशॉट। किसी को कोई प्रॉब्लम, इफ़ यू हैव टू एनी प्रॉब्लम यू कैन डिस्कस इन दिस टाइम गाइज। कोई भी दिक्कत होती है अभी के अपने आप अपने डाउट्स क्लियर कीजिए और लाइव चैट से यार बने रहो यहाँ एंड तक, देखते हैं कितने गाइज सही जवाब देते हैं हम। और जितने भी गाइज अभी जुड़े हुए हो ना, एक बार फिर से आप सभी को वेल डन, क्योंकि पढ़ाई करोगे यार तभी आगे बढ़ोगे, नहीं पढ़ाई करोगे कुछ नहीं होने वाला है। अब आपका क्वाल्ट, चलिए गाइस 58 फटाफट से आंसर करते रहेंगे आप सभी। जितने भी साथी यानी कि क्वाल्ट हो चुका है ना, क्वाल्ट, क्वाल्ट में आपका कौन सा नहीं मिल रहा था, क्वाल्ट में आपको अगर कंफर्म कराया जाए आर, जी बिल्कुल आर नहीं है, इनमें से ढूंढ लिया जाए तो आर नहीं है, बाकी एनिवर्सरी कहते नहीं एनिवर्सरी आई है सालगिरह। सो सेफ, नंबर, व्यू या फिर वेरी, फटाफट से आंसर करते रहेंगे। 59 देखते हैं कितने गाइस सही आंसर करते हैं। जितने भी साथी व्यू बता रहे हैं ना वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे, व्यू इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे 59 में गाइस व्यू इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें डब्ल्यू बिल्कुल भी अक्षर नहीं है, डब्ल्यू यहाँ पे ढूंढ लीजिए डब्ल्यू नहीं है। एंड लास्ट क्वेश्चन आपका गाइज होता है, लास्ट क्वेश्चन आपके लिए कि रिमेंबरेंस, रिमेंबरेंस में रिमेंबर है, मेम्बरेंस है, नंबर है या फिर एम्ब्रांस है। चलिए गाइस फटाफट से आंसर करते रहेंगे, देखते हैं कितने गाइस सही आंसर करते हैं। सो जितने भी साथी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं ना, नंबर, वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि नंबर में यू नहीं है यार। एक सेकेंड, अगर चेक किया जाए नंबर नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि इसमें यू नहीं है, अगर आप ध्यान दें तो यू है कहीं यू नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी नहीं बनेगा भाई आपका। रिमेंबर, उसके बाद मेम्बरेंस, ये क्या है, रिमेंबर है, फिर इम्ब्रांस, मतलब सब कुछ इम्ब्रांस भी बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे नंबर बिल्कुल भी आपका ऑप्शन नहीं बनेगा। सो चला जाए फिर, किसी को कुछ पूछना, किसी को कोई डाउट्स हो तो अपना डाउट सभी के अभी क्लियर कर लीजिए गाइस। सो अगर कोई भी डाउट्स होता है आपको तो तुरंत के तुरंत क्लियर कर लेंगे बस लास्ट सेशंस में। सो आज के सेशंस में बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट सेशंस में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट।